हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की पारे पृथक नंबर 10। ये आपकी 10 है, आपको छपाई में प्रॉब्लम हो गई तो 10 लिख के नहीं आया, तो आप 10 ही लेंगे क्योंकि आपकी 9 वर्कशीट थी लास्ट टाइम। ये आपकी 10 है क्लास 8 के लिए। विषय है आपका हिंदी और चैप्टर है आपका चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया बस की यात्रा। तो बस की यात्रा आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है, आपकी वर्कशीट में कंप्लीट हो चुका है वो, आप उसे अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा दोबारा। तो अब आपका स्टार्ट होगा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये आई थिंक आपका 5th चैप्टर है। 4th चैप्टर 4 आपकी पोएम थी दीवानों की हस्ती, जो आपकी अभी नहीं आई है वर्कशीट में। अभी आपको सिर्फ चैप्टर पढ़ेंगे वर्कशीट में, फिर आपको बाद में आएगी पोइम्स। आप अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये 29 अक्टूबर की वर्कशीट है आपकी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। पत्रों की दुनिया भी अजीब और गरीब है। इसमें पत्रों के बारे में बताया गया कि ये आपका निबंध के टाइप में भी हो सकता है। पत्रों की दुनिया अजीब और गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्रों जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। तो इसमें पत्रों के बारे में बताया है कि पत्र ऐसे होते हैं जो हमारे फ़ोन से भी असंतोष करते हैं। हम पत्रों का इंतज़ार करते हैं कि कब आएंगे, तो हम कब पढ़ेंगे उनको। तो हमें जो हमारा जो अंदर से जो चाह होती है वो नहीं होती पूरी। और फ़ोन में तो 2 मिनट में मैसेज गया, 1 सेकेंड नहीं लगता। यहाँ से मैसेज गया तो यहाँ बहुत दूर तक भी पहुँच गया। तो ये पत्रों में बहुत मज़ा होता है। पत्रों का नया सिलसिला शुरू होता है कि राजनीति में भी काम आता है। ये पुराने ज़मानों में भी जो क्षेत्र थे, विवाद थे, घटनाएं थी, उनमें भी पत्र का उपयोग हुआ था। पहले सूचना पत्र जाते थे महलों में। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। तो जो दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। और जो आपके जो पत्र हैं उन मानव सभ्यता थी उसमें उन्होंने बहुत भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अब जो पत्र हैं उनका भाव अलग है पर नाम तो सेम है। इसमें बताया है कि उसका नाम अलग अलग पर भाव सेम है। हम तेलुगु में कुछ और कहते हैं, कन्नड़ में कुछ और कहते हैं, तमिल में कुछ और कहते हैं, मुस्लिम में, उर्दू में कुछ और कहते हैं। तो ये बताया है कि पत्रों के नाम अलग अलग हैं पर इसे हर जगह या एक जैसा भाव भी होता है। पत्रों को उर्दू में खत कहते हैं। उर्दू में क्या है आप याद रखेंगे, या आपको पूछा जा सकता है पत्रों को उर्दू में क्या कहते हैं। तो पत्रों को उर्दू में खत कहते हैं। संस्कृत में पत्र कहते हैं। कन्नड़ में कागज़ कहते हैं। तेलुगु में उत्तरम कहते हैं। जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। और जाबू और लेख और तथा तमिल में जो हमारा तमिल है उसमें क्या कहते हैं आपको पता है, कड़ित। तो कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं। हमारा अगर मोबाइल फ़ोन है हमारा, तो वो तो हमारा कभी ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। एक वक्त पे वो ख़राब ही हो जाता है कि 1 साल में नहीं हुआ, 4-5 साल में तो ख़राब हो जाता है। पर जो हमारे पत्र रहते हैं अगर हम उन्हें संभाल के रखें तो हमारी ज़िंदगी भर भी चलते हैं। वो सहेज कर रखते हैं। इनमें से किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। और इसमें जो पत्र के बारे में बताया है कि पत्र लेखन कला अलग है, उसमें पत्रों का लिखने का दायरा अलग है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशे तमाम ठिकानों तक पहुंचाते हैं। यानी दुनिया भर में आज भी रोज करोड़ों पत्र जाते हैं एक दूसरे पे। यहाँ पे आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा है जिसमें एक पत्र पहुंचाने वाला पत्र पहुंचा रहा है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है। और भारत में ही आपको बताया गया कि
4.5 करोड़ चिट्ठियाँ रोज डाली जाती है, चिट्ठियाँ डाक यानी डाकघर में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अब जिनके पास फ़ोन नहीं है वो पत्र ही तो लिखेंगे, उनके पास यही जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारी या फिर तेज दौड़े रहे हैं। इसमें बताया है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 1953 में कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं, पर उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों को से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब टेलीफोन, फिर वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि पहले कुछ और आया, फिर कुछ और आया, फिर कुछ और आया, ऐसे आगे चलता रहेगा जब तक हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। हमारी फ्यूचर जनरेशन में क्या क्या बढ़ रहा है उसमें बताया गया है कि पहले पहिए थे, फिर रेलवे आई, फिर तार बने, और फिर तार से रेलों ने तेज गति और तेज गति चलाई, और ऐसे फिर टेलीफोन आया, फ़ोन का विस्तार बहुत बाद हुआ, वायरलेस का हुआ, फिर रडार का हुआ, ऐसे बढ़ता गया। अब आपको शब्दार्थ दिए गए हैं उपयोगिता यानी आवश्यकता, संचार संचार यानी बातचीत या सूचना का आदान प्रदान यानी बातचीत करने का, सूचना पत्र करने का, उसमें आदान प्रदान जैसे फ़ोन एग्जाम्पल हो गया आपका। आधुनिकतम, आधुनिकतम मतलब सबसे नया। संतोष, संतोष मतलब तृप्ति, हमारे मतलब मन भर गया इससे, संतोष हो गया, ये बोल जाता है। शांति, साधन साधन यानी उपकरण, सिलसिला यानी चलन, तमाम तमाम यानी पूरा, संपूर्ण यानी विवाद झगड़ा, विवाद यानी झगड़ा, केंद्रित यानी आधारित, सहेज कर यानी संभाल कर, संदेह यानी शक, दायरा यानी क्षेत्र, दायरा में से क्षेत्र होता है, अहमियत होता है, महत्ता, हर कार्य मतलब संदेश है चिट्ठी से ले जाने वाले। तो अब आपके शब्दार्थ खत्म होते हैं, अब आपके गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके अनुसार पत्र, फोन और SMS एक दूसरे से कैसे अलग है? तो आपके अनुसार जो पत्र है, फ़ोन है, ये SMS है, वो एक दूसरे कैसे अलग है, क्यों अलग है, आपको पता करना है या आपको इसका आंसर लिखना है। तो करते हैं हम इसका आंसर। तो आपका आंसर पत्र, फोन और SMS से बिल्कुल अलग है। ये तीनों अलग है क्योंकि पत्र को लिखने में एक अलग ही संतोष मिलता है और हमें, और अपनी भावनाओं को ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं, पर फ़ोन से नहीं कर पाते हम अपनी, मतलब जो भी हमारा मन होता है हम पत्र में लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम ये तो बहुत दिनों बाद पढ़ेंगे, ये 2-3 दिनों बाद पढ़ेंगे, या हम जल्दी भिजवाना चाहें तो एक दिन में पढ़ेंगे, तो पर फ़ोन में से जैसे गया वैसे गया और हम जल्दबाजी में कुछ अच्छा लिख नहीं पाते हैं, तो यही बताया गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, पत्र किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो आप वर्कशीट से मैच कर लेंगे क्वेश्चन। पत्र के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, साथ ही साथ हम किसी भी घटना के ऊपर चर्चा भी कर सकते हैं। पत्र में हम अपनी भावनाओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाते हैं। तो यही हमें पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना। ये आपका चैप्टर है पत्रों की अनूठी दुनिया, उसके तो ये आपका जो चैप्टर है पत्रों की अनूठी दुनिया, इसके आपको लेखक के नाम लिखना है। लेखक का नाम आप अपनी बुक में से सर्च करेंगे, चैप्टर नंबर 5 देख के इसके लेखक का नाम सर्च करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में अभी आंसर देंगे। अभी आप कमेंट सेक्शन में अपनी उंगली लिखिए और आंसर करिए। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है? तो आपको पत्र में जो आपको वर्कशीट में ये शब्द दिए गए, ये भाषाएं दी गई है, आपको ये लिखना है कि भाषाओं में पत्र को क्या कहा जाता है। तो ये आपको वर्कशीट में बताया गया था, कन्नड़ को
कन्नड़ में कागज कहा जाता है, तमिल में कड़ित कहा जाता है, उर्दू में खत कहा जाता है, तेलुगु में उत्तरम या जावू कहा जाता है, संस्कृत में पत्र और हिंदी में चिट्ठी। आप पत्र हटा देंगे क्योंकि संस्कृत में पत्र नहीं होता, क्योंकि वो संस्कृत में होता है पत्र, हिंदी में चिट्ठी होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में रोज़ लगभग कितनी छुट्टियां डाक में डाली जाती हैं? तो ये आपको बताया गया था कि 4.5 करोड़। तो जो हमारी की स्थिति अभी चल रही है आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियाँ डाक में रोज़ डाली जाती हैं? अब महामारी चल रही है ना, कोरोना महामारी, तो इसमें इसमें आप कितनी चिट्ठियाँ डाली जाती होंगी आपको पता है? तो हमारे देश में लगभग आपको बताइए 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ रोज़ डाली जाती हैं, डाक में डाली जाती हैं। मेरे अनुसार महामारी के समय में पत्र व्यवहार थोड़ा कम हुआ होगा और लगभग 50 लाख चिट्ठियाँ रोज़ डाक में डाली जाती होंगी। तो 4 करोड़ से सीधा 50 लाख बहुत कम हो गया, 1 करोड़ भी नहीं रहा, तो ये बहुत कम है। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं, कम लगता है तो कम लिख सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और वह बदलते बदलते क्या हो गए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे थे, उसके बाद पहिए, रेलवे, तार, वायरलेस, रेडार आदि आ गए। आपका अब फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी गतिविधि है, उस पर चलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गतिविधि, गतिविधि एनुटी का अर्थ निराली या विशेष रूप से सबसे अलग। अब आपके चैप्टर में अनूठी नाम है तो उसका अर्थ क्या है, निराला या विशेष रूप से सबसे अलग। अब जिस प्रकार चींटियों की अनूठी, चींटियों की दुनिया अनूठी है, उसी प्रकार आपके जीवन में या आसपास क्या क्या अनूठा है, उसे एक पिटारे में सहेज कर दिखाइए, यानी बक्से का चित्र बनाकर या चिपका कर उसमें अनूठी बातें वो लिख भी सकते हैं या अनूठी वस्तुओं के चित्र भी बनाकर चिपका सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे आप, दिल्ली की संस्कृति अनूठी है, जिसमें विभिन्न राज्य, संस्कृति, धर्मों, भाषाओं के लोग आपस में प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। आप अनेकता एकता की मिसाल दिल्ली और दिल्ली की संस्कृति की तस्वीर बना सकते हैं। तो ये आप गतिविधि 6 में आंसर लिख लेंगे तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, अगर आपको, तो मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी ये वर्कशीट, और मुझे जो मैंने आपसे कमेंट में पूछा है कि इस पाठ के लेखक के नाम, तो आप वो आंसर लिखेंगे। और आपको नहीं पता तो आप बुक फोर्थ आप अपनी बुक में सर्च करेंगे तो आपको बुक में मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 में, चिट्ठियों के अनूठी दुनिया में। तो ये आपकी सेकंड वर्कशीट है जो भी, वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ।